मेरठ थाना ब्रह्मपुत्री क्षेत्र में यहां पर इराई गार्डन में ही आज युवा सेना समिति के अध्यक्ष में बंदर अली 20 दिसंबर को हुई हिंसा पुलिस द्वारा मारे गए व्यक्तियों को परिजनों मिलने पर यहां पर पहुंचे भीम आर्मी के साथ चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण मृतक को परिजनों को दिया न्याय आश्वासन में कहा है कि मेरठ एसएसपी और मुजफ्फरनगर के साथ ही एसएसपी खिलाफ बेगुनाहों की हत्या का मुकदमा कोर्ट डाल चुके हैं। आने वाले 23 तारीख को सुनवाई होगी। दोनों एसएसपी ने जितने भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं जेल भिजवा कर और उधर प्रशासन ने बंदर अली के पास ही नोटिस भेजा है। टाइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मेरठ से खास रिपोर्ट। दिन के बाद बीजेपी बार बार कर रही थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जिसमें इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको मुसलमान कहते हैं वो इतना डर जाएगा कि वो अपनी लड़ाई के अपने अधिकारों के लिए भी बात नहीं करेगा। तो यही अच्छे दिन शायद मोदी जी बार बार दिखा रहे थे हमें, अच्छे दिन लाने वाले हैं। देखिए यहाँ पूर्ण रूप से जो मानव मूल्य हैं उनको हाथ पे रख के पूर्ण रूप से जो है दहशतगर्दी का माहौल बनाया गया है। ये इनकी भाइयों द्वारा जो बताया गया, पीड़ित परिवारों के द्वारा जो बताया गया, मोस्टली लोगों को पुलिस की गोली द्वारा जो है उनकी जान गई। बाकी हमने कोर्ट में इसके खिलाफ हम लोग चले गए, उसमें नोटिस भी हो गया हाईकोर्ट से। 23 तारीख को जो है बहस, उम्मीद है कि जिन अधिकारियों ने ये षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आप नाम है? हाँ, ये मेरठ एसएसपी और मुजफ्फरनगर एसएसपी, जहाँ सीधे तौर पे जो है गोली की कार्रवाई हुई है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे किसी के सर में गोली नहीं लगेगी। अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में गोली भी प्रशासन चलानी पड़ती है, ऐसी स्थिति बन जाए, जबकि ऐसी स्थिति यूपी में कभी नहीं बनी, तब भी नहीं बनी जब बाबरी मस्जिद पर फैसला है, तब भी नहीं बनी जब 370 की बात आई, तब भी नहीं बनी। तो ये जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट है कि उनका अंतिम उद्देश्य सीधी सर पे गोली मारने, हमारे लोगों की जान लेकर उनकी दहशत का माहौल बनाना था, क्योंकि वो गोली पैर पे भी लग सकती थी। आप 23 तारीख की बात कर रहे थे, क्या कर रहा है भाई अपनी तरफ से कर रहे हैं? 23 तारीख मेरी तरफ से नहीं, कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हुई है। कोर्ट को जो हमने रिट फाइल की थी उन्होंने वो स्वीकार किए। 23 तारीख को बहस है और उम्मीद है हमारे वकील अपने लोगों की बातों को मजबूती से रखेंगे, और जिन अधिकारियों ने ये हमारे लोगों की हत्याओं में जो है भागीदारी अदा की है, सरकार का जो काम किया है, वो सब लोग, क्योंकि वो कानून के अंडरटेकिंग है, उन्होंने जो गलतियां की है उनकी सजा उनको मिलेगी। वो सब लोग वही होंगे जहाँ जिन्होंने मान निर्दोष लोगों को बंद किया। दिल्ली के शाहीनबाग प्रकरण में क्या कहना है आपका? शाहीनबाग प्रकरण में क्या कहना है? पहले ये बता दीजिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।